गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है आउटसोर्सिंग सर्विसेज? आउट बाहर, सोर्सिंग संसाधन, सर्विसेज सेवाएं, ऐसी सेवाएं जिनके संसाधन बाहर से उपलब्ध किए जाएं वो कहलाती है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट आउटसोर्सिंग क्या है। हमारे पास कोई भी संस्था है, छोटी है या बड़ी है, उसके पास दो प्रकार के विकल्प होते हैं। एक तो वो सारा का सारा कार्य स्वयं करे और दूसरा विकल्प है कि वो बाहर वालों के ऊपर निर्भर रहे। दो विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है संगठन के अंदर अपने सारे संसाधन संगठन के अंदर से ही जुटाना और दूसरा है संगठन के बाहर से पूरा करना। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो संगठन के अंदर से नहीं जुटाए जा सकते, संगठन के बाहर से जुटाए जा सकते हैं। तो हमारे पास दो विकल्प है। अब पहले विकल्प में है संस्था के अंदर से, ये आउटसोर्सिंग में नहीं आएगा। दूसरा है संगठन के बाहर से पूरा करना, ये आउटसोर्सिंग के अंदर आएगा। तो जो संसाधन हम संगठन के बाहर से प्राप्त करते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं आउटसोर्सिंग के अंदर। उदाहरण के लिए उत्पादन, हम उत्पादन या तो संस्था के अंदर करें या संगठन के बाहर से करें। दूसरा है क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय दोनों प्रकार की क्रियाएं संगठन के अंदर की जाए और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास संगठन के बाहर से की जाए। वित्तीय प्रबंध, वित्तीय व्यवस्था हम संगठन के अंदर से करें या संगठन के बाहर से करें। विज्ञापन, विज्ञापन की व्यवस्था हम खुद करें या जो विज्ञापन करने वाली अन्य एजेंसियां हैं उनको सुपुर्द कर दें। उधार एकत्रित करना, उधार हम स्वयं एकत्रित करें या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से एकत्रित करवाएं। कोरियर, एक अपने पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं भेजें या किसी अन्य संस्था का सहारा लें। तो देखो बच्चों, हम मैंने बार बार हर उदाहरण के अंदर दो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एक हम खुद व्यवस्था करें, दूसरा क्या है किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहें। तो जो दूसरे क्रम मैंने प्रयोग की है कि अन्य के ऊपर निर्भर रहें, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, आउटसोर्सिंग के अंदर आता है। तो अभी जितनी भी क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के लिए यदि संसाधन संगठन के बाहर से जुटाते हैं, ये सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करते हैं, तो वो किसके अंदर शामिल की जाएगी, आउटसोर्सिंग के अंदर। मेरे हिसाब से आपको आउटसोर्सिंग की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। एक दृष्टि भाषा के अंदर दूसरी बात बताता हूँ कि यदि हम खाना अपने घर बनाते हैं, हम खुद बना के खाते हैं, वो है संगठन के अंदर से संसाधन जुटाना। दूसरा, यदि हम बना बनाया खाना बाहर से लेकर के आते हैं तो वो एक प्रकार से आउटसोर्सिंग का उदाहरण है। अब इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है। अब देखिए, इसके अंदर आउटसोर्सिंग का मीनिंग है संस्था के संगठन के बाहर से, उसी को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने, क्या कहा है, व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने। दूसरा क्या कहा मैंने, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने। और तीसरा क्या है, कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करना। तो हमने यहाँ पर देखा है कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग तीन चीजों से क्लियर हो जाता है। पहला क्या है, हम व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि हम कुछ सेवाएं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरा क्या है कि इस दोनों चीजों के लिए हम कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से एकत्रित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़ा स्पष्ट सा मीनिंग है कि हम अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए, सेवाओं के विशिष्टीकृत लाभ को उठाने के लिए, कुछ सेवाओं के ऊपर यदि हम संगठन के बाहर से निर्भर रहते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि आउटसोर्सिंग क्या है, अब हम चर्चा करेंगे आउटसोर्सिंग की नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ी सी बात, थोड़े से गुण देखते ही हमें पता चल जाए ये फला चीज है। इस प्रकार से बर्फ है, बर्फ को हाथ लगाते हमें ठंडक महसूस होगी, कोई गर्म चीज है उसको हाथ लगाने से हमें गर्म महसूस होगी, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। उसी प्रकार से नेचर के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विशेष तथ्य, कुछ ऐसे विशेष कथन को हम डिस्कस करेंगे जिससे तुरंत हमें पता चल जाए कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आउटसोर्सिंग की नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य
नेचर क्या है, सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना, जिन सेवाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं वो सारी की सारी सेवाएं हमारे संगठन के अंदर नहीं है, हमारी संस्था के अंदर नहीं है, वो हमारे संगठन के बाहर उपलब्ध है। दूसरा है विशिष्टीकृत सेवाएं, जो सेवाएं हम प्राप्त कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से विशिष्टीकृत है, पूर्ण रूप से ट्रेंड प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा हमें प्रदान की जा रही है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती की, किसी भी प्रकार के किंतु की, किसी भी प्रकार के परंतु की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अर्थात जो सेवाएं हम बाहर से प्राप्त कर रहे हैं वो सेवाएं कितनी गुणवत्तापूर्ण है, जिनमें किसी प्रकार की कमी निकालना असंभव जैसा ही प्रतीत होता है। तीसरा है सेवाओं की सस्ती विधि, ये सेवाएं बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं, बार बार एक ही प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, बार बार उन सेवाओं के उत्पादन के लिए बढ़िया तरीके का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, और इससे हमें पैमाने के प्रतिफल के लाभ प्राप्त होने के कारण वो सेवाएं जब हमें प्राप्त होती हैं तो वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि, जो व्यक्ति इन सेवाओं का प्रयोग करता है, किन सेवाओं का, आउटसोर्सिंग सर्विसेज का, उस व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि होती है। अब बात उत्पन्न बात सामने आती है कि जब जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उसकी कुशलता में तो वृद्धि होगी, क्यों वो बार बार एक ही प्रकार का कार्य कर रहा है, तो फिर जो प्रयोग कर रहा है उसकी कुशलता में किस प्रकार से वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति बाहर की संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटी मोटी गतिविधियों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो कम महत्व वाली गतिविधियां होती हैं वो कम महत्व वाली गतिविधियों के ऊपर बाहर की संस्थाओं के ऊपर, बाहर के संगठन, अपने संगठन से संगठन के बाहर की संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहना शुरू कर देता है और स्वयं सिर्फ उन गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है जो गतिविधियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत प्रभावशाली होती है, व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रभावित करने वाली होती है। अर्थात यदि थोड़ा ध्यान कम दिया जाए तो व्यवसाय को नुकसान हो जाता है और पूरा ध्यान दिया जाए तो व्यवसाय को लाभ होता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सिर्फ मुख्य गतिविधियों की तरफ केंद्रित होता है तो कुशलता बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमने देखा कि आउटसोर्सिंग की जो नेचर है उसके अंदर किन किन प्रकार की प्रवृत्ति होनी अनिवार्य है, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चल जाए कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या है एक बार रिवीजन के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है संगठन के बाहर से सेवाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा क्या है, जो सेवाएं हैं विशिष्टीकृत होती हैं। तीसरा क्या है, ये सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। और चौथा क्या है, जो हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी कुशलता में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है और आउटसोर्सिंग की नेचर क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्या है, अर्थात ऐसे कौन से लाभ हैं जो हमें आउटसोर्सिंग के कारण प्राप्त होते हैं, या ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो हमें लालायित करती है कि हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग करें। तो सबसे पहला है अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना। जब हम एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें बढ़िया उच्च क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब हम उन सेवाओं को स्वयं पूरा करना चाहते हैं तो हम हजारों प्रकार की गतिविधियों में उलझे हुए होते हैं, हजारों गतिविधियां हमें एक ही समय में पूरी करनी होती हैं, उनके लिए सभी संसाधन हमें एक ही समय में पूरे जुटाने होते हैं, जिस कारण से अनिवार्य नहीं है कि हमारे द्वारा जो सेवा उत्पन्न की जाएगी, हमारे द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो विशिष्टीकृत होगा। लेकिन आज जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो बाजार का राजा होता है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और यदि वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, तो हम बाजार में टिकने नहीं दिया जाएगा, प्रतियोगी संस्थाएं हमें बाजार से बाहर निकाल देगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना होगा, और वो एकमात्र उपाय है आउटसोर्सिंग। दूसरा, हाई विनियोग से बचना। यदि हम सभी सेवाओं को अपने संस्था के अंदर के संसाधनों से जुटाना चाहते हैं, संस्था के संगठन के अंदर ही पैदा करना चाहते हैं, संगठन के अंदर ही उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में विनियोग करना होगा। इसके लिए हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, प्लांट चाहिएगा, मशीनरी चाहिएगी, मैन पावर चाहिएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिएगी, रॉ मटेरियल, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जिनके ऊपर हमें भारी भरकम विनियोग करना होगा। और हम यदि इस विनियोग से बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। आउटसोर्सिंग को अपनाने से हमें किसी प्रकार के अलग अलग विभाग को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें
जो संस्थाएं हैं बाहर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उन सब सेवाओं के बारे में हमें डाटा एकत्रित करना होगा। उनमें से जिस संस्था के द्वारा बढ़िया गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवा रही होंगी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, उससे वो सेवाएं हमें हायर करनी होगी और हम भारी रकम नियोग करने से बच जाएंगे। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आउटसोर्सिंग सर्विसेज की नेचर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रकृति का तात्पर्य है किसी वस्तु के उन गुणों की पहचान करना जिन गुणों के देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि वो वस्तु क्या है। तो ऐसे ही कुछ गुण हमें आउटसोर्सिंग के जानने होंगे, जिनके देखने मात्र से ही हमें पता चल जाए कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो इसकी नेचर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना। जो सेवाएं हमें अपने संगठन के बाहर से प्राप्त होती हैं, उन सब सेवाओं को आउटसोर्सिंग सर्विसेज के अंदर शामिल किया जाता है। अर्थात यदि हम कोई भी उत्पादन का कार्य, किसी भी विज्ञापन का कार्य, किसी भी उधार एकत्रित करने का कार्य, वित्त प्रबंधन का कार्य यदि हम संस्था के अंदर से ही एकत्रित कर लेते हैं तो उसे हम आउटसोर्सिंग के अंदर शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यही जैसे उत्पादन है, क्रय विक्रय है, उधार एकत्रित करना है, वित्तीय प्रबंध करना है या कोरियर की सेवाएं हैं, इन सब के लिए यदि हम संगठन के बाहर की संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वो किसके अंदर शामिल किया जाएगा, आउटसोर्सिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरा बिंदु आता है इसके अंदर विशिष्टीकृत सेवाएं। ये सेवाएं जो हमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त होती हैं, विशिष्टीकृत प्रकृति की होती हैं। अर्थात इनके अंदर विशिष्टीकरण का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? यदि हम संस्था के अंदर से ही इन सेवाओं को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने संस्था की सभी गतिविधियों के ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम सभी गतिविधियों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम किसी भी गतिविधि के अंदर पूर्ण रूप से दक्ष नहीं हो पाते। लेकिन जो संस्थाएं आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का कार्य करती हैं, वो एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाती है, एक ही प्रकार की सेवा का उत्पादन करती है और एक ही सेवा का बार बार उत्पादन करने के कारण वो अपने उस सेवा में पूर्ण रूप से दक्ष हो जाती हैं, ट्रेंड हो जाती हैं। इस प्रकार उन संस्थाओं के द्वारा जब भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी वो अपेक्षाकृत विशिष्टीकृत प्रकृति की होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से विशिष्टीकृत सेवाओं की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट आता है सेवाओं की सस्ती निधि। इन आउटसोर्सिंग सर्विसेज के माध्यम से जो सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती है। यदि हम उन्हीं सेवाओं को संस्था के अंदर से प्राप्त करना चाहेंगे तो वो सेवाएं हमें महंगी पड़ेंगी। क्यों महंगी पड़ेंगी? क्योंकि हम सिर्फ उतनी ही सेवाओं का उत्पादन करेंगे जितनी हमें आवश्यक है। दूसरा, उसके लिए हमें हर प्रकार के उपकरण की व्यवस्था करनी होगी, प्लांट की व्यवस्था करनी होगी, मशीनरी की व्यवस्था करनी होगी, स्थायी विनियोग करना होगा, मैन पावर का प्रयोग करना होगा, मैन पावर की व्यवस्था करनी होगी, रॉ मेटेरियल की व्यवस्था करनी होगी। तो इन सब के कारण जो है हमारा जो विनियोग है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ब्याज की हानि भी होगी और जो सेवा हमारे द्वारा उत्पन्न की जाएगी वो काफी महंगी होगी। लेकिन बाहर वाली संस्थाएं जो कि सिर्फ अपने एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सक्षम है, उसके द्वारा जो सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी वो काफी सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि उन संस्थाओं को न केवल पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होंगे बल्कि बार बार एक ही कार्य को करने के कारण वो उन सेवाओं के अंदर पूर्ण रूप से दक्ष भी होंगे। इस प्रकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमें न केवल उच्च क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त होती हैं बल्कि हमें वो सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती भी पड़ती हैं। इसके पश्चात अगला पॉइंट है प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि। आउटसोर्सिंग का प्रयोग करते हुए हम विभिन्न प्रकार की उन गतिविधियों को छोड़ सकते हैं जो गतिविधियां हमारी संस्था के लिए जरूरी तो हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण है। उनके ऊपर यदि हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। अर्थात
इसका इस इन क्रियाओं से हम ध्यान हटा करके अपना ध्यान व्यवसाय की मुख्य गतिविधियों की तरफ केंद्रित कर लेते हैं। जब हम अपना ध्यान अन्य छोटी छोटी गतिविधियों से हटाकर मुख्य गतिविधियों की तरफ केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो व्यवसाय है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, हमारी कुशलता बढ़ेगी, हम अपने आप में जो सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, जो उत्पादन उपलब्ध करवाएंगे, जिस प्रकार का हम व्यवसाय कर रहे हैं वो अपेक्षाकृत पहले से बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज की जो प्रकृति है उसके अंदर हम सामान्य तौर पर चार पॉइंट को शामिल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बगैर आउटसोर्सिंग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट है कि सेवाओं का संगठन के बाहर से प्राप्त होना, और दूसरा विशिष्टीकृत सेवाएं, तीसरा ये सेवाएं हमें अपेक्षाकृत काफी सस्ती पड़ती हैं, और चौथा पॉइंट है कि इन सेवाओं का प्रयोग करने से प्रयोग करने वाली संस्था की कुशलता में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आउटसोर्सिंग सर्विसेज की आवश्यकताओं के बारे में, नीड्स के बारे में। हमें आउटसोर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज को अपनाएं, क्या आवश्यकता है हमें कि हम संगठन के बाहर किसी अन्य संगठन के ऊपर, किसी अन्य संस्था के ऊपर निर्भर रहे, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमें विवश करते हैं कि हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज को फॉलो करें, आउटसोर्सिंग सर्विसेज को अपनाएं। हमारे व्यवसाय का दिन प्रतिदिन पैमाना बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, और गलाकाट प्रतियोगिता का सामना हम करने को मजबूर हैं, और जो प्रतियोगिता है स्थानीय स्तर से लेकर के अब वैश्विक स्तर तक पहुंच गई है, और यदि हम वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता में बने रहना चाहते हैं, उसका मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, चाहे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे किसी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, वो न केवल विशिष्टीकृत प्रकृति की हो बल्कि अपेक्षाकृत सस्ती भी हो, और इस सब को यदि हम चाहते हैं तो हमें आउटसोर्सिंग ही एक ऐसा माध्यम नजर आता है जो हमें इस सब की उपलब्धि करवा सकता है। तो उसके बारे में अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें आउटसोर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला कारण है अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो सेवाएं प्राप्त की जाए वो विशिष्टीकृत हों, उसके लिए हमें निश्चित तौर पर एक ऐसे सेवा प्रदाता को चुनना होगा जो कि केवल वही और वही कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्य को बार बार करने पर वो व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष हो जाता है, और उसकी दक्षता का लाभ यदि हमें मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को विशिष्टीकृत सेवाओं का लाभ मिले तो हमें आउटसोर्सिंग को अपनाना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्था अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करे तो हमें उन सेवाओं को चुनना होगा जो कि अपेक्षाकृत उत्तम क्वालिटी की है, गुणवत्तापूर्ण है और विशिष्टीकृत है। एक व्यक्ति एक ही कार्य को यदि बार बार करता है तो उसके अंदर दक्षता आना स्वाभाविक ही हो जाता है। जैसे कहा भी गया है, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावते सिर पर निशान। जब एक रस्सी बार बार एक पत्थर के ऊपर से गुजरती है तो पत्थर को भी वो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक ही कार्य उस रस्सी द्वारा बार बार किया जा रहा है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो उसके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है वो विशिष्टीकृत होती है। और हमारी आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई, हमें क्यों जरूरत पड़ी आउटसोर्सिंग की? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें जो सेवाएं प्राप्त हो वो अच्छी क्वालिटी की हो और विशिष्टीकृत सेवा हो। दूसरा, सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम किसी भी सेवा को या तो अपनी संस्था के अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं या अपनी संस्था के बाहर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी संस्था के अंदर से प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें इसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी होगी, विभिन्न प्रकार का विनियोग करना होगा, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होगी। तो उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि संस्था के अंदर उत्पादन करें तो हमें प्लांट और मशीनरी की स्थापना करनी होगी, हमें
भारी भरकम पूंजी की आवश्यकता होगी, हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी, हमें मैन पावर्स की आवश्यकता होगी, हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, हमें विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादन कार्य में जिनकी आवश्यकता होती है उन सब मेटीरियल्स की हमें आवश्यकता होगी, उन सभी साधनों की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम उस सेवा का उत्पादन कर पाए। लेकिन यदि हम उन सेवाओं को अपनी संस्था के अंदर से प्रयोग नहीं करते बल्कि संस्था के बाहर से प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें वो सेवा रेडीमेड मिलेगी, पहले से ही तैयार मिलेगी, उसके लिए हमें अलग से किसी प्रकार का तामझाम दुकाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्लांट को लगाने की आवश्यकता है, न मशीनरी को लगाने की आवश्यकता है, न भारी भरकम पूंजी का प्रयोग करने की आवश्यकता है, न ही मैन पावर की आवश्यकता है, न ही विशेषज्ञों की आवश्यकता है, बल्कि हमें क्या आवश्यकता है, किसी विशेषज्ञ द्वारा पहले से ही उत्पादित की हुई एक सेवा विशेष का हमें प्रयोग करना है और इसके बदले में हमें एक उसका जो निर्धारित मूल्य है, निर्धारित कीमत है, निर्धारित कमीशन है वो हमें चुकाना पड़ेगा और घर बैठे बैठाए ही हम बिना किसी भारी विनियोग के उस सेवा का लाभ उठा सकते। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास व्यवसाय को सुविधा पूर्वक ढंग से चलाना। प्यारे बच्चों, हमें दो प्रकार के गुरु सुनने को मिलते हैं, व्यवसाय को सुविधा पूर्वक चलाना और व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाना। दोनों शब्दों में अंतर है, सुविधा पूर्वक और कुशलता पूर्वक। एक सामान्य व्यक्ति से यदि हम बात करते हैं तो उसे सुविधा पूर्वक और कुशलता पूर्वक में कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता, लेकिन कुशलता पूर्वक का तात्पर्य ये है कि यदि किसी कार्य को किसी दक्ष व्यक्ति के द्वारा किया जाए, किसी विधि विशेष के द्वारा किया जाए और बिना किसी रुकावट के किया जाए तो वो क्या कहलाता है, कुशलता पूर्वक व्यवसाय को चलाना। लेकिन सुविधा पूर्वक चलाने का मतलब क्या है कि जिस कार्य को करते हुए हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े वो कहलाता है किसी कार्य को सुविधा पूर्वक या किसी व्यवसाय को सुविधा पूर्वक ढंग से संपन्न करना। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं क्या इस आउटसोर्सिंग का प्रयोग करके हमारा व्यवसाय सीधा पूर्वक ढंग से चले, अर्थात बिना किसी परेशानी के चले। परेशानी कब आती है, जब हमें व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। जब हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग करेंगे तो उस समय हमें उन सब क्रियाओं को छोड़ देना पड़ेगा, उन सब क्रियाओं को छोड़ देंगे जो हमारे व्यवसाय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण का मतलब क्या है, वैसे तो व्यवसाय जब हम कर रहे हैं तो सभी क्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हम उस क्रिया को मानते हैं जिस क्रिया को करने से आउटपुट हमारा उतना ना हो जितना हमारा इनपुट लग जाता है, अर्थात विनियोग ज्यादा हो, मेहनत ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, मैन पावर ज्यादा लगे लेकिन हमें उत्पादन उसकी सहायता से कम मिले। ऐसी संस्था, ऐसी एक्टिविटी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर हमारा उत्पादन हमें ज्यादा चाहिए, हमारा विनियोग ठीक ठीक हो, सामान्य प्रकृति का हो, उत्पादन भी सामान्य प्रकृति का हो, लेकिन उस एक्टिविटी को यदि हम बढ़िया ढंग से ना करें तो हमारा उत्पादन पूरी की पूरी संस्था नेगेटिवली प्रभावित होती है, तो वो एक्टिविटी, वो क्रिया हमारी संस्था के लिए कहलाती है मुख्य क्रिया। तो प्यारे बच्चों, यदि हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग करेंगे तो हम अपना ध्यान सिर्फ उन क्रियाओं की तरफ केंद्रित कर पाएंगे जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना है कि आउटसोर्सिंग का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, आउटसोर्सिंग का प्रयोग करने की आवश्यकता हमें क्यों है, ऐसे कौन कौन से कारण है जो आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं, उनके अंदर हमने जाना कि हमारे तीन प्रकार के पॉइंट है, तीन कारण है जो कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला कारण है हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को विशिष्टीकृत सेवाएं प्राप्त हो। दूसरा कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें हमारी संस्था के अंदर कुछ गतिविधियों के अंदर स्थायी विनियोग ना करना पड़े। और तीसरा कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय सुविधा पूर्वक ढंग से चले, बिना किसी परेशानी के चले, कुशलता पूर्वक चले। और जब हम ये सब चाहते हैं तो हमें आउटसोर्सिंग को अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आउटसोर्सिंग की टाइप्स की। आउटसोर्सिंग सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जिसके कारण हमें इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे पहला है फैक्ट्री। बड़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आज के टाइम में इसका बोलबाला है। हम बड़े पैमाने पर व्यवसाय करते हैं और जब व्यवसाय
व्यवसाय करते हैं तो इस चीज में भी कोई संदेह नहीं है कि हम अपना माल उधार बेचेंगे। जब उधार बेच देते हैं तो उस उधार को कलेक्ट करना भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके अतिरिक्त एक लंबे समय तक हमें उस पैसे से वंचित रहना पड़ता है। इससे बचने के लिए कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें उस उधार विक्रय के ऊपर हमें अग्रिम ऋण के रूप में पैसा प्रदान करती हैं और जिसके बदले में वो कुछ निश्चित राशि कमीशन के रूप में ब्याज के रूप में हमसे वसूल करती हैं और हमारी वो समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो हम जब हम पैसा प्राप्त कर लेते हैं इसके पश्चात वो सेवा प्रदान करने वाली संस्था स्वयं उत्तरदायी होती है इस चीज के लिए हमारे देनदारों से पैसा वसूल करने के लिए संग्रहित करने के लिए। उसके पश्चात आता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग जब किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसे विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं और उसे न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। जब तक उसे न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त नहीं होती तब तक वो संस्था अपना जो है व्यवसाय आरंभ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो कुछ विशेष संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहती है जो इस प्रकार की गारंटी देते हैं कि हम समस्त कार्यवाहियां कंपनी को प्रारंभ करने तक की समस्त कार्यवाहियां वो स्वयं पूरा करेंगे। इस प्रकार का जो सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो कहलाती हैं अंडरराइटर। अभिभावक के रूप में उनको जाना जाता है। वो प्राधिकरण जारी करने से लेकर के समस्त प्रकार की कार्यवाही स्वयं करते हैं और यदि जनता न्यूनतम अभिधान तक की राशि नहीं लेती तो वो अंश अभिभावक स्वयं क्रय कर लेते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि हम अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं और अपनी कंपनी की स्थापना अवश्य ही सफलतापूर्वक ढंग से कर लेते हैं। उसके पश्चात हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट विनियोग विज्ञापन। विज्ञापन हम अपनी संस्था के अंदर इतने संसाधन नहीं जुटा पाते कि विज्ञापन की व्यवस्था हम खुद करें। आज के समय में बाजार के अंदर ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि हमें एक निश्चित कीमत पर विज्ञापन की सेवा प्रदान करती है। उनके द्वारा प्रदान किया गया विज्ञापन न केवल विशिष्टीकृत होता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी होता है और यदि वही विज्ञापन हम स्वयं के संसाधनों से देना चाहें तो वो हमें काफी कॉस्टली भी पड़ता है, जबकि उन संस्थाओं से यदि हम विज्ञापन करवाते हैं तो वो हमें अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। और तीसरा है कोरियर। आज के टाइम में कोरियर वैसे तो लगभग समाप्त ही हो चुका है, हम अपने समस्त पत्र व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पत्र व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से संभव नहीं हो पाते, हमें हार्ड कॉपी भेजनी ही पड़ती है और उसके लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है पत्रों के ऊपर। और वो पत्राचार का जो कार्य है या तो हमारा विशेष संदेश वाहक लेकर के जाएगा या कोई इस प्रकार का कार्य करने वाली विशिष्ट संस्था है जो इस कार्य को निपटाएगी और वो सेवा हमें प्रदान करने वाली संस्था है कोरियर सर्विस। ये एक नाम मात्र का शुल्क लेकर के हमारे पत्र को वहां पहुंचा देती है जहां पर कि हमें उसे पहुंचाना होता है। और यदि इसके लिए हम खुद एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए न केवल महंगा पड़ता है बल्कि हम हर जगह पर उसको भेज भी नहीं सकते और उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है हम कोरियर सेवाओं का लाभ उठाएं। और उसके पश्चात है हमारे पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इन सेवाओं का आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है क्योंकि हर कस्टमर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उपभोक्ता जो है बाजार का राजा होता है और यदि वो नाराज हो गया तो समझ लो हमारा व्यवसाय ही गर्त में चला जाएगा। उसको हमें खुश रखना है तो हमें इस प्रकार की सेवाएं उसको उपलब्ध करवानी ही होंगी। आज के टाइम में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और उन प्रोडक्ट को बेचने के पश्चात आफ्टर सेल सर्विसेज उन्हें प्रदान की जाती है, होम डिलीवरी उन्हें प्रदान की जाती है। और यदि आफ्टर सेल सर्विसेज उन्हें प्रदान नहीं की गई तो उपभोक्ता यदि हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट है लेकिन किसी कारण से उसके उत्पाद में कोई कमी आ जाती है और उसकी वो कमी दूर नहीं की गई तो वो उपभोक्ता सदा सदा के लिए हमारे उत्पाद को छोड़ देगा। उससे बचने के लिए हमें उसे आफ्टर सेल सर्विसेज देनी ही पड़ेगी, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे विश्व के अंदर हर जगह पर अपने जो इंजीनियर हैं उनको भेज सके। इसके लिए उन विशेष स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिक है, विभिन्न प्रकार के इंजीनियर हैं जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो कंपनी उनसे कांटेक्ट कर लेती है, उनसे अनुबंध कर लेती है और वो इस प्रकार की सेवाएं हमें उपलब्ध करवाते हैं। इसके बदले में हम एक निश्चित कमीशन उन्हें देते हैं। इसका तरीका क्या होता है, जैसे ही कंपनी के पास किसी उपभोक्ता की कॉल आती है कि हमारा फला स्थान पर फला प्रोडक्ट खराब हो गया है तो हम उस स्थान पर इस प्रकार की जो सेवा प्रदान करने वाले मैकेनिकल पर्सन हैं या इंजीनियर हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको
बताते हैं कि फला स्थान पर जाकर के हमारे उपभोक्ता का फला प्रोडक्ट आप ठीक करके आइए और हमें एक नाम मात्र की कीमत में ही वो सेवा उपलब्ध हो जाती है। यदि हम इसकी अपेक्षा अपने उत्पादन स्थल से एक मैकेनिक को एक इंजीनियर को भेजते तो हमें काफी कॉस्टली पड़ता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम अपनी सेवाओं को सुगमता प्राप्त करना चाहते हैं, विशिष्टीकरण प्रदान कर प्राप्त करना चाहते हैं और अपना ध्यान जो है व्यवसाय की महत्वपूर्ण गतिविधियों की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें आउटसोर्सिंग को अपनाना ही पड़ेगा। और किस किस प्रकार की सेवाओं के लिए हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, कॉरियर, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इसके अलावा जैसा कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्पादन के अंदर भी हम जो है आउटसोर्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्रय विक्रय के लिए भी आउटसोर्सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और वित्तीय प्रबंध यहाँ पर आ ही चुका है, विज्ञापन आ चुका है, उधार फैक्टरिंग के अंदर आ गया है और कोरियर सेवाएं भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें आज के व्यवसाय के बढ़ते पैमाने को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग की सेवाओं को अपनाना ही होगा और इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो व्यवसाय है एक लाभ कमाने के साथ साथ दिन दूनी रात छोड़नी उन्नति भी कर सकता है। धन्यवाद।